हेलो एवरीवन, दिस इज कनेक्शन एफ प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या कहा है इसमें? ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, एंगल ई पी ई इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। शो दैट ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ई बी पी के और ए डी इक्वल्स टू बी ई। आइए इसमें देखते हैं। देखिए ये आपका ए बी से लाइन सेगमेंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द इसमें ए बी हो गया आपका। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ये जो आपका डी एंड ई, ये देखिए डी एंड ई ए बी के क्या है एक तरफ ही है, ठीक है ना, डी एंड ई ए बी के एक तरफ इस तरह से सच दैट कि आपका जो एंगल बी ए डी है वो इक्वल्स टू क्या है ए बी ई के। बी ए डी देखिए बी ए डी ये वाला एंगल किसके इक्वल है आपका ए बी ई, ए बी ई इसके इक्वल है, ठीक है ना। डी एंड ई इस तरह से बनाए थे ए बी के एक और कि आपका ये जो एंगल है डी ए बी इक्वल्स टू ई बी मतलब ए बी ई के इक्वल हो गया। उसके बाद ये गिवन है आपका। फिर दूसरा ई पी ए डी पी बी के, ई पी ए क्या है ई पी ए ये वाला एंगल डी पी बी इसके इक्वल है आपका। और आपको प्रूफ क्या करना है, ये वाला जो ट्राइंगल है डी ए पी, देखिए डी ए पी ये दिख रहा है आपको, ये जो है डी ए पी ये आपका जो जा रहा है ये इस तरह से, तो ये डी ए पी ट्राइंगल ई बी पी के, ई बी पी ये जो है ना ई बी पी इसके क्या है कॉन्ग्रेंट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको सबसे पहले गिवन लिखना होगा, गिवन देखिए गिवन में पी इज द मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल्स टू क्या हो गया पी बी के हो गया, ए पी इक्वल्स टू पी बी क्योंकि आपका क्या है बी, ये पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर उसके बाद क्या है, एक तो ये गिवन है, एक एंगल्स दे रखे, ये वाला एंगल इसके इक्वल मतलब आपका कौन सा डी ए पी एंगल, पहले तो ये वाला लिख लीजिए बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई के, और एक आपका एंगल ई पी बी, ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी ये गिवन है। अब लिखिए टू प्रूव, क्या प्रूव आपको करना है, प्रूव करना है ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई पी पी के और आपका ए डी इक्वल्स टू बी ई। प्रूफ देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें एक बात ये देख लीजिए कि जो हमारे ट्रायंगल हैं कौन कौन से ट्रायंगल डी ए पी और ई पी बी पी इनमें क्या क्या बराबर है। देखिए अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग ले लेते हैं ऐसे, ये क्या है आपका डी ए और ये पी, फिर इसी तरीके से हमने ये वाला ले लिया, ये क्या है आपका ई और ये पी और ये आपका क्या है बी। अब यहां पे आपको पता है ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये साइड इस वाले साइड के, देखिए ए पी पी बी के बराबर है और डी ए पी बराबर है ई बी पी के। अब एक एंगल और एक साइड तो हो गई, लेकिन हमें यहाँ पे एक एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। अगर इस वाले एंगल में मैं इस वाले एंगल में अगर ये एंगल जो है आपका हम ऐड कर दें तो ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा कौन सा डी पी ए, डी पी ए हो जाएगा। और अगर क्योंकि जब ये एंगल इस वाले में ऐड करेंगे हम तो इस वाले में भी ऐड हो जाएगा, तो फिर ये वाला पूरा एंगल कौन सा होगा ई पी बी, ई पी बी ये भी बराबर हो जाएंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, देखिए दो एंगल और एक साइड, तो ए ऐसे कॉन्ग्रेंस से हम क्या कर सकते हैं इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। प्रूफ में सबसे पहले हम ये वाले एंगल लेंगे, ये दोनों एंगल, एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी ब्रैकेट में कर दीजिए गिवन। अब इसमें हम दोनों साइड क्या जोड़ेंगे, क्या ऐड करना है हमें, ये वाला एंगल कौन सा ई पी डी या डी पी ई, तो हम क्या करेंगे ऐड एंगल डी पी ई ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ कर देते हैं, तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई। अब देखिए क्या क्या बन जाता है, ई पी ए, ई पी ए इस वाले एंगल में जब ये जोड़ दिया क्या बन गया आपका ई, ये सॉरी ये जोड़ ये, इस वाले एंगल में ये जोड़ दिया तो ये पूरा बन गया क्या बन गया डी पी ए,
तो इसको लिख देंगे एंगल डी पी ए इक्वल्स टू क्या होगा, अब डी पी बी, डी पी बी ये वाला एंगल है, इसमें जब ये जोड़ देंगे, ये वाला इधर का जोड़ देंगे तो ये पूरा बनेगा, कौन सा हो गया ई पी बी, एंगल ई पी बी आ गया आपका ये दोनों। अब आप इन दोनों ट्राइंगल में ले लीजिए जिनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिनको ऑपरेट करना है उनमें ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल कौन सा आपका डी ए पी एंड ट्राइंगल ई पी बी, दोनों ट्राइंगल में देखिए सबसे पहले हम क्योंकि ए एस ए लगाना तो ए को लेके चलेंगे, तो ये हो गया डी ए पी एंगल डी ए पी इक्वल्स टू है एंगल किसके ई बी पी के, ई बी पी ये आपको गिवन है, ये हो गया ए, एस क्या होगा ए पी इक्वल्स टू पी बी के, ए पी इक्वल्स टू पी बी ये भी आपका क्या है गिवन है क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट आपको बोल दिया था पहले उसने। चलिए ये तो हो गया, अब ए एंगल हो गया, साइड हो गया, अब एक और एंगल कौन सा हो गया डी पी ए, ये जो हमने अभी प्रूफ किया था, तो एंगल डी पी ए इक्वल होगा एंगल ई पी बी के, ये आप लिख देंगे बाय प्रूफ, छोटा सा प्रूफ किया ना ये वाला। तो अब इन दो तीनों से आप क्या कह सकते हो, देयर फॉर ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई पी बी के, और आप ब्रैकेट में इसका रीजन भी लिखेंगे बाय ए एस ए, ए एस ए रूल। और जब दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, कौन से ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी ई के, सो दैट ए डी इक्वल्स टू बी ई, और कैसे हुआ क्योंकि बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो कि क्या होंगे बराबर होंगे। पहला प्रूफ आपका ये हो गया, पहला प्रूफ कहाँ है ये देखिए, यही कहा था ट्राइंगल डी ए पी को ए पी बी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ, और जो सेकंड में क्या कहा था कि ए डी इक्वल्स टू बी ई, हैंस प्रूफ। क्लियर है इतना, चलिए इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।